नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने आज पटना में अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं, कई दावे किए गए हैं, जिसमें किसानों को लेकर के, पत्रकारों को लेकर के और सभी वर्गों को लेकर के कुछ ना कुछ वादे जरूर हैं। आप देखिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं। तो पेंशन योजना लागू करने का काम हमने किया था। हमारे दिमाग में बात थी कि देहात में रहने वाले छोटे छोटे जो पत्रकार होते हैं, 10 रुपया 20 रुपया प्रति समाचार के लिए शायद उनको पैसा मिलता है और महीना में दो चार 10-15 समाचार से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। और यही कारण है कि हमारे पत्रकार मित्रों पर कहीं कहीं उंगलियाँ उठाते हैं कि पैसा ले करके चाहे प्रभावित हो करके ये समाचार देते हैं। मैं इसको गलत मानता हूँ। उनको इज्जत के लिए, उनको एक जीवन निर्वहन के लिए हमने उस समय कहा था कि हर हालत में जो देहात के पत्रकार हैं उनका निबंधन करेंगे, शहर में जो निबंधित पत्रकार हैं उनको हम पेंशन देंगे। उस समय 1000 हमारे दिमाग में पेंशन की बात आई थी क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था। लेकिन हम कहना चाहते हैं अगर हम लोगों की सरकार आवेगी तो हम उनको 1000 नहीं, हम 5000 रुपया पेंशन पत्रकारों को देने का हम घोषणा करते हैं। हम समझते हैं कि ये अगर हम लोग जीत के आए तो हम पत्रकारों को चाहे ग्रामीण का हो या शहर का हो 5000 रुपया उनको हम पेंशन देंगे। और उसमें नीम का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है और इसको आपके माध्यम से चाहते हैं कि जनमानस में भी ये बातें जाए। और जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो लोग पढ़ करके देखेंगे। लेकिन मुख्य बिंदु जो है हमारे पास, जो हमने फोकस किया है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। और हम फर्क के साथ कहते हैं जिन बातों की चर्चा हम अपने घोषणा पत्र में किया है वो गरीबों से संबंधित है, शिड्यूल कास्ट से संबंधित है और उससे व्यापक व्यवस्था में बदलाव लाने की बात हो सकती है। जिसको बदकिस्मत दिवस चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने एजेंडा में, अपना घोषणा में नहीं शामिल किया है, इसीलिए हम आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हम समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और सिर्फ कास्ट का ट्राइब के लिए विशेष उसके उत्थान के लिए जो हमने लिखा है और घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। उसी में पहला बिंदु हमारे सामने है कि समान शिक्षा प्रणाली की बात हम कर रहे हैं और लोहिया जी ने भी कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा या पुत्र या संतान सबको शिक्षा एक समान। हमारे अम्बेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम सबको शिक्षा एक समान किए बगैर आज जो समाज में असमानता है, नीच नीच का भाव है, रिजर्वेशन का झगड़ा है, ये नहीं मिट पाएगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी उन लोगों के द्वारा जो जिसका अनुपालन नहीं हो सकता है। दूसरे देशों में, संसार के कई एक देशों में समान शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। आज इससे हम चार्ज करते हैं जो भी आज तक सत्ता में रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चलाने वालों के पक्ष में उन लोग ने अपना विचार रखा है और यही कारण है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं चालू करते हैं। कारण कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख सालाना लेते हैं और वो कौन दे सकता है, समाज का वैसे ही वर्ग दे सकता है जिसको कहा जाए कि आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है। तो अगर आर्थिक दृष्टिया है तो संपन्न को ही संपन्न और शिक्षा दीजिएगा तो फिर जो खासियत पर गरीब में है, गरीबी रेखा से नीचे है, उसका क्या होगा। तो जाहिर है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले तमाम पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। इसमें वादे होते हैं, दावे होते हैं कि अगर हम चुनाव में जीतते हैं तो आपके लिए क्या कुछ करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के हम विकास करेंगे। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीतन राम मांझी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।